नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार यानी 24 जून से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद सोमवार सुबह संसद परिसर में पहुंचे, जहां उनके हाथों में संविधान की कॉपी देखी गई। इस दौरान सपा सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इससे पहले सदन के बाहर कांग्रेस ने भी संविधान की प्रति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की वहां थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उसे 37 सीटों के साथ ही 33.59% वोट मिले हैं। पार्टी अपने इस प्रदर्शन में पीडीए रणनीति का अहम योगदान मान रही है। बता दें कि राहुल गांधी पहले भी सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे, वहीं अखिलेश यूपी विधानसभा में योगी सरकार से लोहा लेते देखे जाते थे। अब लोकसभा में दोनों नेता एक साथ होंगे तो सत्ता और विपक्ष में बहसों का नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी बोलने वाले विपक्ष के दो कद्दावर नेताओं के आने से सदन में भाजपा के लिए भी बहस करना आसान नहीं होगा। भाजपा की घटी सीटें और विपक्ष के बड़े सांसदों की संख्या भी लोकसभा में बहस का माहौल बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।